नमस्कार, मैं हूं अनुराधा सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। आइए राजधानी की कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालें। राजधानी लखनऊ में अजय श्रीवास्तव मालिकाना हक का विवाद खत्म करने और आप सभी शहरी संपत्तियों को कर के दायरे में लाने के लिए प्रदेश सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। जी हां, कर्नाटक की तर्ज पर प्रदेश में भी अर्बन प्रॉपर्टी ओनरशिप रिकॉर्ड योजना UPOR लागू कर रही है, जिसकी उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। इसके तहत आपकी संपत्ति आधार कार्ड से लिंक हो जाएगी। इससे संपत्तियों के नामांतरण में होने वाला फर्जीवाड़ा रोका जा सकेगा। साथ ही नगर निगमों को कर वसूली में मदद मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आर्थिक सलाहकार KV राजू की पहल पर अर्बन प्रॉपर्टी ओनरशिप रिकॉर्ड योजना लागू करने की कवायद चल रही है। बीते दिनों KV राजू की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में कि सुझावों पर चर्चा भी हो चुकी है। यह योजना केवल लखनऊ में ही नहीं, इसके अलावा कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज में प्रथम चरण पर लागू होगी। वहीं राम मंदिर के मुद्दे पर लखनऊ में आज होने वाली कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम नेताओं के साथ बरेली के उलमा भी शामिल होंगे। गौरतलब है कि इस कॉन्फ्रेंस में मंदिर मुद्दे पर कोई अहम ऐलान हो सकता है। बरेली के उलमा को शामिल होने को लेकर दरगाह आला हजरत में बेचैनी मची है। इस बीच इत्तेहादे मिल्लत कौंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तैकीर रजा खान ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। माना जा रहा है कि उनकी ओर से भी इसी मामले पर कोई अहम घोषणा की जा सकती है। वहीं अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के अंतिम दौर में पहुंचने के साथ मुस्लिम नेताओं और उलमा की यह कॉन्फ्रेंस लखनऊ के एक होटल में होगी। इस कॉन्फ्रेंस में उलमा देश में अमन और सौहार्द का माहौल बनाए रखने के लिए कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस ने लखनऊ में होने जा रही कॉन्फ्रेंस पर विरोध जताया है। वहीं अगली खबर भी लखनऊ से है, जहां पार्टी में ऑपरेशन कायाकल्प चलाकर कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा ने सख्त कदम तो उठा लिया, लेकिन राह अभी इतनी आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश की टीम में जिस तरह से पुराने और अनुभवी कार्यकर्ताओं को किनारे किया गया है, उससे संगठन में समन्वय की नई चुनौतियाँ खड़ी हो गई हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2022 को लक्ष्य बनाकर काम कर रही कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा के फॉर्मूले पर ही प्रदेश कमेटी बनाई गई है। उनका फॉर्मूला नए कार्यकर्ताओं को तरजीह देने और कमेटी को छोटा बनाने का था। उसी पर अमल हुआ और कमेटी से उन कार्यकर्ताओं की छटनी हो गई जो वर्षों से प्रदेश पदाधिकारियों की टीम में शामिल रहे हैं। प्रियंका के इस निर्णय को युवा कार्यकर्ता तो पार्टी के हित का मान रहे हैं, लेकिन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का तर्क है कि युवा जोश के साथ अनुभव का भी मेल होना था। जो कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में पार्टी का चेहरा थे, उन्हें किनारे किए जाने से नुकसान हो सकता है, संगठन में मनमुटाव जैसी स्थिति बन सकती है। वही लखनऊ में पुष्पेंद्र मुठभेड़ कांड को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने झांसी दौरे से एक तीर से कई निशाने साधने का भी प्रयास किया। फर्जी मुठभेड़ों को लेकर घिरती जा रही योगी सरकार पर हमला करने के साथ मूल वोट बैंक यादवों की एकजुटता बनाए रखने की कोशिश की। मिशन 2022 को ध्यान में रखकर सरकार विरोधी मुहिम में अन्य दलों से बढ़त बनाए रखने का संदेश भी दिया। झांसी मुठभेड़ कांड को लेकर सपा ने गर्म लोहे पर चोट की है। पुष्पेंद्र यादव का आपराधिक इतिहास लंबा चौड़ा नहीं है, इसलिए अखिलेश मुद्दे को गर्माने में किसी हद तक कामयाब दिख रहे हैं। अखिलेश के दौरे को देख सरकार को भी बचाव में अपना पक्ष प्रस्तुत करना पड़ रहा है। समाजवादी चिंतक गोपाल अग्रवाल का मानना है कि इस कांड पर आक्रामक होकर अखिलेश ने फर्जी पुलिस मुठभेड़ से पीड़ित परिवारों की सहानुभूति भी बटोरी है। जिस तरह से पुलिस की मनमानी बढ़ती जा रही है, उसका विपक्ष से तगड़ा प्रतिरोध नहीं किया जा रहा था। वही साथ ही सपा के सामने आ जाने से सरकार विरोधी माहौल तैयार होना भी आरंभ होगा। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कानून व्यवस्था और इनकाउंटर मामलों को लेकर यूपी पुलिस जहां विपक्ष के निशाने पर है, तो वहीं पूर्व DGP सुलखान सिंह ने भी सवाल खड़े किए हैं। लाइसेंसी शस्त्र धारकों पर कारतूसों का ब्यौरा न देने पर की गई कार्रवाई को उन्होंने गैरकानूनी बताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी है। उन्होंने पुलिस को कानून पालन और छवि अच्छी रखने की सलाह भी दी है।
पूर्व डीजीपी सुल्तान सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि कुछ दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि कुछ शस्त्र लाइसेंसियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा इसलिए दर्ज किया था कि वे खरीदे और खर्च किए गए कारतूसों का हिसाब नहीं दे सके। इसके साथ ही उनके शस्त्र जमा कर लिए गए और लाइसेंस निरस्त करने की रिपोर्ट देने की भी बात कही। सुल्तान सिंह के मुताबिक लाइसेंस की शर्तों में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि लाइसेंसी अपने कारतूसों का कोई रिकॉर्ड रखेगा। जो शर्त अधिनियम या नियमावली में नहीं है वह किसी प्राधिकारी द्वारा नहीं लगाई जा सकती है। इस आधार पर शस्त्र भी पुलिस अपने कब्जे में नहीं ले सकती। इस वक्त के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक ले बने रहिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।